कमबख्त कहीं का ठोर में ठोर सटाइए जजमान। चलो तैयार हैं गिरावड़ी राल छा आप बोलिए ओम ओम तरारारारारा घचा 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 संस्कृत भाषा के हो ये मंत्र है संस्कृत भाषा सही मंत्र बताओ संस्कृत को अच्छा नहीं लगे छे हिंदी मंत्र पढ़ो बोलो हाँ बोलिए ना सरकालो खटिया जारा लगे सरकालो खटिया जारा लगे बस 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 हो गया हाँ लड़की साहब खिंचना दीजिए लड़की साहब यहाँ बोलिए है स्कूली में बलमा फिर बलमा प्यारा लगे वाला कोई मंत्र है रे तदा चंद्र से कहे शट अप हमरे हमरे गलती से हां किसका गलती है गलती तेरा सालिया सब का छा क्या हो गया ए देखो ना एक एक घमड़ी उठा के आ गयो हां उठो उठो घमड़ी देखो वो घमड़ी ए रे बोले तमीज ना छ मार लाग जे तो सब 25 जवान भाग लेंगे कि पहला जवान रही है जब चल पहले जमान हो जब चल नहीं पिया जब चल नहीं पिया शादी होता है तो दोनों बढ़िया फटाफट खोलते हैं इनका फटाफट कौन सी सिंदूर और ढक्कन के हम समझ लिया और कुछ तब तो क्या गंजी पन खोल में कोई ना कोई ना भरमा ही भेज ले राम मैं बताओ जल्दी खोलिए ए महाराज क्या हुआ अरे ढक्कन है बाबू अपन राम मंत्र नहीं निकल रहे हैं मंत्र बाहर बाहर है कुहाले ही ना आपकी बात ढक्कन खुला है अच्छा जैसे मंत्र पढ़ेंगे तो डायरेक्ट मंत्र सिंदूर में सटेंगे हाँ। उसके बाद डायरेक्ट शादी जल्दी पढ़ो हाँ बोलिए कभी चीत कभी पाठ बोलो नो हाँ? कभी चीत कभी पाठ बोलो नो टुक टुक ताक ये मंत्र है तब चंद्र से क्या बोलो बोलो कभी चीत कभी पार कभी चीत कभी पार बस 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 लड़की साहब खिंचना दीजिए लीजिए लड़की साहब यहाँ बोलिए सयाजी मारे सतासत मार मार करके हाथ पाँव तुम्हारा लूला कर दूंगा सखी सहेली आगे बढ़ो और सिंदूरदान की तैयारी करो ए सखी सिंदूरदान की तैयारी करा जल्दबाजी हालो दुल्हा सिंदूर लिया हार पान सुपारी के साथ पीता उठाई लिया पार मेरे दिल में पीता उठाई लिया पार मेरे दिल में रघुवर सिर पर सोहत नाल पीता सब में तूने रघुवर सिर पर सोहत चलो विदाई के अब आप लोग ऐसा कीजिए आप लोग जाइए और हम लोग यहां से अपने राज मानिकपुर शहर को चलते हैं हाँ महारानी हाँ स्वामी जी चलो अब हम लोग यहां से अपने राज की ओर चलते हैं ठीक है स्वामी जी यहां से चलने की तैयारी कीजिए Yeah.
तेरा हम लोग चलते चलते अपने दरबार तक पहुंच चुके हैं क्या? हाँ महारानी। स्वामी जी अपना मालिक कितना सुंदर दरबार लग रहे हैं। क्यों नहीं महारानी? स्वामी जी। हाँ महारानी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जानना चाहती हूँ, इस महल में कौन कौन सदस्य रहते हैं महारानी? हाँ मैं इस बात को सोच रहा था कि मैं तुम्हें सब कुछ कह करके बताऊंगा। अच्छा, लेकिन महारानी अच्छा किया जो तुम मुझसे पूछ लिया। महारानी हाँ। हवेली में तू आज नई नवेली आई है। बिल्कुल आई हूँ। तुमसे पहले मैं एक और शादी किया था महारानी। क्या? जिस महारानी ने मेरे हवेली में दो पुत्र को जन्म दिया, मेरे पुत्र सीत और बसंत को, और महारानी की शुरुआत हो गई। महारानी के मर जाने के बाद मेरा बेटा सीत और बसंत हमेशा अपने माँ के लिए अपने आंख से आंसू बहाता था। इसीलिए महारानी अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए, अपने बच्चे को एक माँ का प्यार मिल जाए, इसीलिए महारानी ने दोबारा शादी तुम्हारे साथ किया। स्वामी जी ये तो बड़ी खुशी की बात है कि पोसा पाला हुआ पुत्र
किसी भाग्य वाला को मिलता है। हाँ महारानी, महारानी सबसे पहले तो मेरे बच्चे शीतल बसंत से मिलो। क्यों नहीं आप महारानी, मैं इसी समय शीतल बसंत को बुलाता हूँ। आइए मास्टर साहब। पिताजी आज हम दोनों भाई भाई को किस लिए याद किए पिताजी? पुत्र। हाँ पिताजी, तुम दोनों जब भी दरबार में आता था तो हमेशा अपनी माँ के लिए अपनी आँख से आंसू बहाता था। क्यों नहीं पिताजी? और तुम दोनों के आँख में आंसू मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए जैसी माँ तुम्हें छोड़ करके संसार से गुजर गई थी, आज वैसी माँ इस हवेली में मैं फिर से ले आया हूँ पुत्र। किस माँ की बातें कर रहे हैं पिताजी? जो माँ की पहले स्वर्गवास हो गए, क्या वो फिर से जीवित हो गए? नहीं पुत्र, ये बात सत्य है कि जो मानव संसार से एक बार गुजर जाता है वो कभी लौट करके वापस नहीं आता। पुत्र लगता है तू मेरी बात को समझा नहीं। समझा नहीं पिताजी? मैं दोबारा शादी करके ले आया हूँ। क्या? जिस तरह से तुम्हारी माँ अपने हाथों से खाना पीना खिला करके तुम्हें गुरु पाठशाला भेजती थी, हाँ पिताजी, उसी तरह से ये माँ भी तुम्हें उतना ही प्यार देगी। देख मेरे पुत्र, तुम्हारी माँ तुम दोनों का इंतजार कर रही है। जा पुत्र, अपने माँ के चरणों में प्रणाम करो। क्यों नहीं पिताजी, यही वो माँ है। जा, मुझे देखते रहो पुत्र, हम वो नहीं है। जा अपने माँ के चरणों में प्रणाम करो। जा पुत्र। यही दोनों लड़का मेरा पुत्र शीतल बसंत है। अच्छा, आज हवेली में इस बच्चे की माँ बनकर के तू आई है। हाँ।
इस बच्चे को खिलाओ पिलाओ, एक माँ का प्यार दो महारानी, ताकि ये दोनों अपने माँ को अपने दिल से निकाल सके। ठीक है स्वामी जी, मैं इस दोनों बच्चे को अपने की बच्ची की तरह प्यार दूंगी और सही टाइम से खाना खिलाऊंगी, सही टाइम से गुरु पाठशाला भी भेजूंगी। क्यों नहीं महारानी, जाओ पुत्र अपने माँ के हाथों से भोजन कर लो। देखो बच्चे, भाई बसंत लाखों में एक है, माँ भी है तो लाखों में एक है। हाँ भैया, क्या बात है। देखो बच्चे, माँ मैं जानना ये चाहती हूँ, तुम दो भाई हो और कौन बड़े हो और कौन छोटे हो? और तो ये जानना चाहते हैं। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन माँ, हाँ इस महल में मेरा नाम, मैं सबसे बड़ा, मेरा नाम सिद्ध कहलाता है। अच्छा, सिद्ध कुमार। वाह, और ये मेरा छोटा भाई बसंत कुमार है। कितना सुंदर तुम दोनों भाई दिखने में लगती हो, उतना ही सुंदर तुम दोनों भाई का नाम भी है। तुम तो बहुत सुंदर लग रही है माँ। क्या? हाँ भी सुंदर लग रही हूँ, क्यों नहीं। देखो सीत और बसंत, हाँ इस महल में नौरी बानी नहीं है क्या? नौरी बानी है, सब महल में सो गई है अभी। सो गई, फिर कोई बात नहीं है माँ, आज दिन के बाद तुम आई है इस महल में, तो आज दिन को हम दोनों भाई को कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, ना तो किसी भी तरह का परेशानी होने दो, कोई तरह का मैं दिक्कत नहीं। बिल्कुल गरम गरम दूध पिलाओगे। हाँ। और गुरु पाठशाला इसी स्कूल में पढ़ने लगे। तो लक्ष्मीया स्कूल, अभी समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है, क्यों नहीं यहाँ से चलते हैं महल, और महल में तुम दोनों को मैं अपने हाथों से गरम गरम दूध पिलाती हूँ। हाँ, क्यों नहीं माँ, बिल्कुल चलो एकदम। अच्छा हाल हो,